से बड़ी खबर आ रही है, मारा गया हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला। इजराइल की सेना ने नसरल्ला की मौत की है और उसका दावा किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी है, तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल ये जो स्थिति है लगातार बदलती हुई नजर आती है और इस बीच इजराइल की सेना ने ये दावा किया है कि हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला मारा गया है, उसकी मौत हो गई है। और आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बाबत जानकारी भी दी है। ये लगातार जो तनाव है और जो युद्ध है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं और तनाव की स्थिति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला मारा गया है और इजराइल की सेना ने उसकी मौत होने का दावा भी किया है और इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बाबत जानकारी भी दी है। तो ये बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल जो तनाव है और जो युद्ध की स्थिति है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार जो है गतिरोध बरकरार है। और इस बीच ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि नसरल्ला मारा गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि किस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है। इजराइल की सेना ने मौत होने का दावा किया है, नसरल्ला कौन है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल हिजबुल्ला की सैन्य क्षमताओं को और अधिक बढ़ाया नसरल्ला ने। लेबनान में 2018 के चुनाव दमदार जीत दर्ज की थी और हसन नसरल्ला 1992 से हिजबुल्ला का चीफ है। लेबनान की मजबूत रणनीति और सैन्य ताकत है, तो ऐसे में जब ताकत को खत्म किया गया है तो अब देखना होगा कि युद्ध आगे किस ओर जाता है। सैयद अब्बास मुसावी की हत्या के बाद कमान संभाली नसरल्ला ने और हिजबुल्ला की सैन्य क्षमताओं को और अधिक बढ़ाया गया। लेबनान में 2018 के चुनाव दमदार उस दौरान जीत की थी और अब उसकी मौत की जानकारी निकलकर सामने आई है और इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बाबत जानकारी भी दी है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला के मारे जाने के बाद अब देखना होगा कि आगे की स्थिति क्या रहती है, क्योंकि एक मजबूत कड़ी का खत्म होना, खात्मा करना यहां पर एक सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन हिजबुल्ला की सैन्य क्षमताओं को और अधिक बढ़ाया गया था। 2018 में लेबनान में चुनाव जीतकर दमदार जीत दर्ज की थी। 1992 से हिजबुल्ला का चीफ रहा है, तब से कमान संभाली है हिजबुल्ला की और अब जब हिजबुल्ला की कमान संभालने वाला नसरल्ला का खात्मा हो गया है तो अब ये युद्ध किस ओर बढ़ेगा, क्योंकि लगातार तनाव की स्थिति देखने को मिल रही थी और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रभाव भी पड़ रहा था। और क्योंकि नसरल्ला का मारा जाना कहीं ना कहीं लेबनान में चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि हसन नसरल्ला हिजबुल्ला का चीफ था और जब चीफ का मारा जाना तो कहीं ना कहीं सेना को कमजोर जरूर करेगा। अब देखना यह होगा कि आगे की स्थिति क्या होती है, लेकिन फिलहाल इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बाबत जानकारी दी है कि सेना ने नसरल्ला की मौत का दावा किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि युद्ध जो है वो लगातार देखने को मिल रहा था और स्थितियां हर वक्त बदलती जा रही थी। फिलहाल दावा किया जा रहा है, 32 साल से संगठन का चीफ था, अब आप समझ सकते हैं। इजरायली सेना का लेबनान में बेरूत समेत कई इलाकों पर मिसाइल हमला जारी है और इस बीच इजरायल ने बेरूत के दया शहर में रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका खाली करने को भी कहा है। इजरायली सेना का यह कहना है कि इन जगहों का इस्तेमाल हिजबुल्ला और इजरायल पर हमले के लिए कर रहा है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दे कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला मारा गया है। इजरायली सेना का दावा है कि बेरूत पर हवाई हमले में वो ढेर हुआ है। 32 साल से संगठन का चीफ था। फिलहाल राजधानी बेरूत में हमले के बाद एक बिल्डिंग से धुआं उठता भी दिखाई दिया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की बेटी जैनब इस हमले में मारी गई है और हिजबुल्ला ने जैनब की मौत की पुष्टि नहीं की है। इजरायली चैनल 12 ने उसके मारे जाने की सूचना भी दी है। आपको जानकारी दे दें कि बेरूत में 4 इमारतों पर हमला किया गया और बताया जा रहा था कि यहीं से जो है
पूरे युद्ध की रणनीति तैयार की जा रही थी और यहीं पर हमला यहां पर किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये वो इलाका है जहां पर हेडक्वार्टर था हिजबुल्लाह का, इसराइल के निशाने पर ये हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर आया है और यहीं पर जो है अटैक किया गया है। इस हेडक्वार्टर से ही सारे काम जो है वो किए जाते थे और फिलहाल राजधानी बेरूत में हमले के बाद इस बिल्डिंग से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे इस बात की जानकारी सामने आई है कि यहीं पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह था जो अब मारा गया है और इजरायली सेना का दावा है कि बेरूत पर हवाई हमले में वो ढेर हुआ है। 32 साल से संगठन चला रहा था और नजर उस पर बहुत लंबे समय से थी और ऐसे में हिजबुल्लाह की लीडरशिप में सिर्फ नसरल्लाह ही बचा हुआ था। इससे पहले जो है फुआद शुकर, वो भी फोर्स का टॉप कमांडर था, मारा गया था और इब्राहिम अकील ऑफिशियल ऑपरेशनल चीफ था, वो भी मारा गया था। अली काकरी चीफ कमांडर था साउथ लेबनान का, उसकी भी मौत हो गई थी। वसीम अल तवील फोर्स कमांडर था, उसकी भी मौत हो गई थी और ऐसे में सिर्फ हसन नसरल्लाह बचा हुआ था जो हिजबुल्लाह का चीफ है, वो भी मारा गया है, इस बात की पुष्टि की गई है। दरअसल इजरायली सेना ने शनिवार सुबह भी बेरूत पर हमला जारी रखा और हमले के बाद एक बिल्डिंग से धुएं का गुबार दिखाई दिया। बेरूत में हमले के बाद कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है, राहत कार्य में जुटी हुई है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि ये जो युद्ध है वो थमता नजर नहीं आ रहा है और क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ अब नसरल्लाह मारा गया है तो क्योंकि इसके मारे जाने के बाद ये एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर जो है वो मिली है। मारा गया हिजबुल्लाह चीफ, हिजबुल्लाह का गेम ओवर। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइल ने दावा किया कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह था। और उसके बाद जो तस्वीर आई उसमें लेबनान की राजधानी बेरूत धमाकों से दहल गया। इसराइल की एयर स्ट्राइक में बेरूत में 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं और फिर वो दावा आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। इसराइल ने दावा किया कि उसके हमले में हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया। जिस वक्त बेरूत पर हमला हुआ उस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। यूनाइटेड नेशन में उनके स्पीच के 1 घंटे बाद ही इसराइल ने बेरूत में मिसाइलें दाग दी। हमलों को लेकर इसराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसने हिजबुल्लाह के उस इमारत को निशाना बनाया जहां एंटी शिप मिसाइलें रखी थी और इसी इमारत में नसरल्लाह के होने का भी दावा किया गया। इसराइल की जिस मिसाइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया वो एक घनी आबादी वाला इलाका था, उसके आसपास गैस स्टेशन, पुलिस स्टेशन और स्कूल चर्च थे। लेकिन इसराइल ने दावा किया कि उसकी मिसाइल ने ठीक उस इमारत को निशाना बनाया जहां हिजबुल्लाह के हथियार और मिसाइलें रखी थीं और इसी हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने का भी दावा किया गया। इसराइल की तरफ से ये भी दावा किया गया कि जहां हमला किया गया वहां हिजबुल्लाह के टॉप अधिकारी मीटिंग करते थे और इसके बाद ही हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह से संपर्क नहीं होने का भी दावा सामने आया। हालांकि हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने दावा किया कि नसरल्लाह जिंदा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि नसरल्लाह जिंदा है या नहीं, लेकिन इसराइल के हमलों से लेबनान पूरी तरह से दहल गया है। हमास में तबाही के बाद इसराइल का पूरा फोकस अब लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि हमास पे इसराइल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के ठिकानों पर कई बड़े हमले किए गए और उसके बाद इसराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया, जबकि नेतन्याहू ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी जंग अब नहीं रुकने वाली है। और नेतन्याहू की इस चेतावनी की तस्वीर अब लेबनान के हर शहर में दिखने लगी है।
शुक्रवार और शनिवार की रात जिस तरह से बेरूत में इसराइल ने हमला किया उसके बाद लेबनान में चारों तरफ हवाई मची हुई है, लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्ला की तरफ से हमले नहीं रुके हैं। मतलब साफ है कि अभी जंग और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है।